आज मैं आपके साथ आलू कटहल की सूखी मसालेदार सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी लगती है। फटाफट हम इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम मसालों में मैंने इसे बनाया है। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कटहल को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। कटहल को डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट लगेंगे और कटहल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो आप इसे सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट लगे हैं। कटहल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में मीडियम साइज के कटे हुए आलू को भी फ्राई कर लेंगे। कटहल में आलू डालकर बनाने से कटहल की सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। आलू को भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, आलू बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। आलू को निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे। 2 चम्मच ऑयल रहने देंगे और उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज में अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट भी डाल सकते हो और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच सफेद नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला डाल देंगे। मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। 1 मिनट के लिए सूखे मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। 1/2 कप जितना पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, मसाले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालें। और ये देखिए, मसाले को बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया है। मसाला बहुत अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें फ्राई किए हुए कटहल और आलू को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसालों की बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाए और स्लो फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। और 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर के तैयार है। आलू कटहल की सूखी सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। सब्जी बहुत ही अच्छे से पक गई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गर्मा गर्म सब्जी को रोटी, चपाती या फिर पूड़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।